मैंने इसे मेयोनीज के साथ में सर्व किया है। अगर आप चाहें तो इसको टोमेटो सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर इस मेयोनीज के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर चीज़ जो है, चीज़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। इट्स यम्मी। हेलो दोस्तों, किचन शेफ विद रुखसाना में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्वीट कॉर्न चीज़ कटलेट्स। इसके लिए मैं सबसे पहले ये स्वीट कॉर्न लिया है और इसमें ये हरी मिर्ची है 8-10। मैं इसे पहले दरदरा पीस लूँगी। ये स्वीट कॉर्न को अभी मैंने दरदरा पीस लिया है। ये लगभग 3 स्वीट कॉर्न थे, इसको मैंने 5-6 हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक के साथ पीस लिया है। अब इसमें बाकी मसाले डालते हैं। ये लिया है मैंने गाजर ग्रेटेड, एक गाजर लिया है, एक शिमला मिर्ची लिया है, और ये हरा धनिया है, 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया, और ये 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, ये 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर है। अगर आपके पास राइस फ्लोर नहीं है तो आप कॉर्न फ्लोर ले सकते हैं। और ये मैंने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं, आप देख सकते हैं, ये चाट मसाला, चिल्ली फ्लेक्स, सॉल्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इन सब चीज़ों को इसमें मिलाते हैं। और इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल रही हूँ। अगर आपको अदरक लहसुन स्किप करना है तो कर सकते हैं, या सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करती हूँ। अभी ये बैटर अच्छा सा मिक्स हो गया है। इसमें मैं ये चीज फिल करूंगी। मैंने ये ग्रेटेड चीज लिया है। अभी हम बनाना चालू करते हैं। पहले थोड़ा मैं हाथों को तेल लगा लूंगी। के अंदर चीज डालते हैं, एक छोटा चम्मच चीज डालें, फिर इसे पैक कर दें। इस तरह बना लें सब पूरे। पूरे कटलेट्स बनने के बाद तलना चालू करेंगे। अभी ये तेल गरम हो चुका। इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें, पलट पलट कर ऐसे थोड़ा पकड़े, बाकी इसका एक्स्ट्रा तेल है सब निकल जाए।
इसी तरह मैं बाकी के कटलेट्स भी तल लूँगी। हेलो दोस्तों, ये भी स्वीट कॉर्न कटलेट्स बन के तैयार हो गए हैं विद चीज़ के साथ में, आप देख सकते हैं। ये देखिए अंदर से चीज़ मेल्ट हो गया है। मैं इसे मेयोनीज के साथ में सर्व किया है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। आप लोगों को मेरी ये डिश पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और किचन शेफ़ विद रुखसाना को सब्सक्राइब करें। बाजू के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई डिश के साथ। ओके, गुड डे।